श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हम एक शरीर हैं या फिर यह शरीर हमारा है। देखिए, हमने अपने जीवन में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनकी अपने सगे संबंधियों से नहीं बनती है और उन्हीं लोगों की किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में बेहद मधुरता और घनिष्ठता दिखाई पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना प्रत्येक पहलू को देखे अपना एक अलग ही नज़रिया लेकर चलते हैं। सिर्फ मेरा मेरा ही करते रहते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अपने जीवन उद्देश्यों को कर्तव्य निर्वाह तक सीमित जान मोह वश सिवाय अपनों के उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम एक शरीर हैं या फिर ये शरीर हमारा है। गीता और गीता में लिखे कथा हम सभी जानते हैं किंतु मानते नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर और इससे जुड़े सभी रिश्ते नश्वर हैं, हम एक शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो महज हमारे द्वारा पहने जाने वाला कपड़ों की भांति है। यह शरीर तो क्षण भंगुर है, नाशवान है। यदि कुछ सत्य है तो वो है हमारी आत्मा, जिसे ना तो अग्नि चला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। जिस प्रकार सूर्य से आने वाली किरणें संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करती है, ठीक उसी प्रकार उस ज्योति रूप परमात्मा के द्वारा सभी आत्माओं का संचालन होता है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उसके साथ चलना हमेशा सही होता है, क्योंकि ये आपका उस परमात्मा के प्रति विश्वास को परिभाषित करता है। जब कुछ समझना आए, जब कोई राह नहीं दिखाई दे, तो एकांत में अपने लिए वक्त निकाल अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करना हितकारी होता है। इस तरह हम उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इंडिकेशन के साथ चल सब कुछ खोने की स्थिति में होकर भी अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोते हैं। यश अपयश हानि लाभ से तो कभी भी दाता भी नहीं बच पाएंगे। ये तो जीवन में धूप छांव की तरह है। यदि हमारा आत्मविश्वास हमारे पास है तो खोया हुआ सब कुछ हासिल किया जा सकता है, किंतु यदि आत्मविश्वास टूटता है तो फिर उस परमात्मा से संबंध टूट जाता है और बिना परमात्मा हो पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंतःकरण में झांकिए, हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुनिए जिसका संबंध उस परमात्मा से है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।